पहले एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 7 इंच है। उसके बाद हम एक चेन लेंगे जिसकी लंबाई 8 इंच है। उसके बाद सेम मेज़रमेंट का हम एक लाइनिंग यूज़ करेंगे इस तरह से, और आप किसी भी कलर की लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। और एक शीट, आप ये शीट, ये मेरे पास एक पुराना बैग पड़ा हुआ था, मैंने वो यूज़ किया है। आप चाहें तो उसमें फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर पे अगर पुराने शॉपिंग बैग होंगे तो वो और बेस्ट हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे इस तरह से, उसके बाद इसे चेन को हमें उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हम इसमें रखेंगे जो भी आप लाइनिंग यूज़ करेंगे, पहले वो रखिएगा, उसके बाद जो भी आप शीट यूज़ कीजिएगा उसे। इस तरह से हम, देखिए आपको इस तरह से इसमें सिलाई कर लेनी है। कई साइड वाला पार्ट था इसको इस तरह रखना है, इसके ऊपर चेन रख देनी है, उसके ऊपर फिर लाइनिंग रख देनी है, सेम चीज़ करना है, और उसके ऊपर फिर जो आप शीट यूज़ करेंगे उसे रख देंगे और उसमें सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसे जिप खोल के देखिए इस तरह से। अब आप चाहें तो इस तरह से यहाँ भी सिलाई पूरे में कर सकते हैं दोनों साइड, बट इससे सिलाई बाहर दिखेगी। अगर आप चाहते हैं कि सिलाई ना दिखे तो हमें क्या करना है, ये जो तीन चीज है मेन फैब्रिक को हटा के इस तरह से करना है, और यहाँ हम लोग मेन फैब्रिक को इस तरह हटा लीजिएगा, मशीन में इस तरह रखिएगा और इस तरह सिलाई कर लीजिएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए मैंने सिलाई कर दिया है इस तरह से, बट ये सिलाई आपको यहाँ नहीं दिखेगी, सिलाई ये मैंने इस तरह से, देखिए मैं इस तरह से इसे उल्टा कर लेना है, देखिए बराबर है, और इसको बराबर करके अच्छे से रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि साइड पे एक नॉर्मल 1/2 इंच पे मार्क कर देना है। उसके बाद एक इस तरह से आप इसी कपड़े का छोटा सा सिल्क एक हुक जैसा बना लीजिएगा, उसको डबल करके आप जो मेन फैब्रिक है उसके बीच पे आप इस तरह रख के इस पर इस साइड भी सिलाई कर लीजिएगा और इस साइड भी सिलाई करिए। इस तरह से मैंने इसके दोनों साइड सिलाई कर दी है इस साइड पे, 1 इंच पे निशान लगा लीजिएगा ऐसे भी और ऐसे, दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से इधर भी मैंने इसके चारों तरफ इस तरह दोनों साइड इसके मार्क कर लिए है। आप चेन वाले साइड मत कीजिएगा, जो नीचे वाला साइड रहता है उस पर कीजिएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से हल्का सा चेन ओपन कर लीजिएगा, जैसे चेन ओपन कर लीजिएगा और इसके कॉर्नर पे आप इस कॉर्नर को और इस साइड वाले कॉर्नर को इस तरह से पकड़ लीजिएगा। देखिए इस तरह से हुआ। अब हमें क्या करना है, देखिए एक लाइन बनेगा, सीधा लाइन बन रहा है, इसी लाइन पे हमको सिलाई कर देना है इस तरह से। आप इस तरह से इसको रख लीजिएगा, इस तरह से ये लाइन बन गया। देखिए इस लाइन पे आप इस तरह से रखिएगा और इस पर इसको जो आपका ये चीज़ है जो कटिंग वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा सा ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से ओपन करके यहाँ पे आप इस साइड भी और सेम चीज़ आप इस साइड, देखिए हमने इस तरह से इसके दोनों साइड पर सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है उससे 1/2 इंच छोड़कर हमें इसे काट देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसके दोनों पार्ट सेट कट कर दिए हैं। अब चाहें तो कोई भी एक फैब्रिक लेके आप ये लाइनिंग का फैब्रिक भी ले सकते हैं, इस तरह से रखिएगा, इस पर सिलाई कीजिएगा और इस तरह से इसको पैक कर दीजिएगा इसके दोनों के। इस तरह से मैंने इन दोनों को लॉक कर दिया। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत भी नहीं है, ये सब सामान आपका घर पे ही रहता है। खाली आप एक जिप खरीद लीजिएगा जो 4 रुपये 5 रुपये पीस पर आता है। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।